बांग्लादेश ने जलवा दिखाया, अफगानिस्तान को धूल चटाया, 500 रनों से ज्यादा हरा के इतिहास बनाया। मैं सही बता रहा हूं आपको, क्योंकि बांग्लादेश ने कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी पहली टेस्ट मैच जो हुई थी उसमें बांग्लादेश ने 546 रनों से अफगानिस्तान को हरा दिया है। और 21वीं सदी की बात करें तो बांग्लादेश ऐसी इकलौती टीम बन चुकी है जिसने ये इतिहास रचा है। टीम इंडिया की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान जैसी बड़ी बड़ी टीमों की बात करें तो किसी भी टीम ने इतिहास नहीं रचा है। अगर हम पूरे मैच की बात कर ले, पहले इनिंग्स की बात करें तो बांग्लादेश के मीरपुर पे ये मैच खेला गया था, जहां पर पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने 382 बनाए 10 विकेटों के नुकसान पे। उनकी तरफ से आप देखो तो हुसैन ने 146 रन बनाए हैं 175 गेंदों पे, जिसमें उन्होंने 23 चौके मारे हैं और 2 छक्के लगाए हैं। उसी के साथ बताऊं मैं, हसन ने अच्छे रन दिए, उनको एक अच्छी साझेदारी दी, 76 रन बनाए उन्होंने 137 गेंदों में और 9 चौके जड़े। और इनकी पार्टनरशिप के बदौलत आप देखो तो बांग्लादेश पहली इनिंग्स में 382 पे पहुंच गई 10 विकेटों के नुकसान पे। अफगानिस्तान की अगर बॉलिंग की बात कर ले तो निजात मसूद ने 16 ओवर देकर 79 रन दिए और 5 विकेटें चटकाई हैं। लेकिन वो विकेट का कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेश ने क्लियरली डोमिनेंट से जीत लिया था। और वहीं अगर हम फर्स्ट इनिंग्स की बात कर ले बांग्लादेश के बॉलिंग की, तो इबादत हुसैन ने 10 ओवर दिए 47 रन देके 4 विकेटें चटकाई हैं। वहीं अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 146 रन पे ऑल आउट हो चुकी थी। अफसर है जिन्होंने 36 रन मारे 30 गेंदों पे। और उसके बाद आप सेकंड इनिंग्स की बात करेंगे तो फिर से हुसैन ने आपको यहाँ 124 रन दिए 151 गेंदों पे, जिसपे 15 चौके हैं। और वहीं उनकी तरफ से मोमिन अल ने भी रन दिए, जहां पर उन्होंने 121 रन मारे 145 गेंदों पे और 12 चौके उन्होंने जड़े। अगर हम बात कर ले अफगानिस्तान के बॉलिंग की, तो वहां से आप देखो जहीर खान ने 112 रन देके 2 विकेटें चटकाई हैं। वहीं अगर हम दूसरी इनिंग्स की बात करें अफगानिस्तान की बैटिंग की, तो वहां पर रहमत ने 30 रन मारे 73 गेंदों पे। और बांग्लादेश की बॉलिंग की तरफ से तस्किन ने 37 रन देके 4 विकेटें चटकाई 9 ओवरों में। तो कहीं ना कहीं आप देखें सेकंड इनिंग्स में जो है बांग्लादेश का स्कोर रहा था वो 425 पे 4, जहां उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। और वहीं अफगानिस्तान की बात कर ले तो भाई उनका बहुत ही बुरा हाल रहा है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। और इसी के साथ आप देखें कि 546 रनों के साथ जो है बांग्लादेश ने एक डोमिनेंट जीत हासिल कर ली। अब बात कर ले अगर बांग्लादेश की, तो ये बांग्लादेश तीसरी टीम बन चुकी है जिसने इतने बड़े मार्जिन के साथ टेस्ट मैच जीता है। इससे पहले जो है 2 टीमें रह चुकी है, लेकिन वो 21वीं सदी में नहीं कारनामा पूरा हुआ था, वो कारनामा बहुत समय पहले पूरा हुआ था। अगर हम तीनों टीमों की बात करें तो इंग्लैंड नंबर 1 पे आती है, जिन्होंने 1928 में 675 रनों से मैच जीता था। दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया आती है, जिन्होंने 1934 पे 562 रनों से मैच जीता था। और तीसरे पे बांग्लादेश आती है, जिसने 2023 में 546 रनों से मैच जीता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश तीसरे नंबर पे चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से बांग्लादेश का परफॉर्मेंस चल रहा है, कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में नंबर 1 पे आ सकती है। कमेंट्स में बताएं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।